हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे मैसूर से। लास्ट हमने बंगाल करा था कि कैसे अंग्रेज़ों ने बंगाल में एंट्री मारी थी। आज हम देखेंगे मैसूर में और पंजाब में कैसे अंग्रेज़ों ने एंट्री मारी थी। तो सबसे पहले मैसूर से शुरू करते हैं। मैसूर में बात शुरू होती है 1761 में। उस टाइम पर मैसूर में थे हैदर अली। जो हैदर अली थे उन्होंने अपना कैरियर शुरू करा था एज ए सोल्जर इन मैसूर स्टेट। मैसूर स्टेट में पहले वो एक सिपाही की तरह काम करते थे, फिर बाद में वो दिंडीगुल में फौजदार बन गए। फौजदार बनने के बाद उन्होंने फ्रेंच की हेल्प से दिंडीगुल में ही मॉडर्न आर्सेनल्स बनाए। आर्सेनल्स मीन्स मॉडर्न हथियार बनाने शुरू करे, जिससे कि लड़ाइयाँ लड़नी थोड़ी आसान हो। तो उसके बाद 1761 में उस जो हैदर अली थे उन्होंने नंजा राजा को गद्दी से उखाड़ फेंका। नंजा राजा कौन था? नंजा राजा वोदयाल डायनेस्टी के जो किंग थे कृष्ण राजा, उनका एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर था। तो उसको उन्होंने हराकर गद्दी से हटा दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। और उस टाइम पे जो वोदयाल के किंग थे वो थे कृष्ण राजा वन। फिर उसके बाद 1761 से लेकर 69 तक 3 साल तक चली फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें हैदर अली ने जो अंग्रेज़ थे उनको हरा दिया और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन करी 1769 में। उसके बाद हुई फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। ये चली थी 4 साल तक, 80 से लेकर 84 तक चली थी। इसमें क्या हुआ था? इसमें जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने फ्रेंच पोर्ट माहे पे अटैक कर दिया था। अब जो माहे वाली टेरिटरी थी वो उस टाइम पे हैदर अली के अंडर आती थी। तो उस पर जब अटैक कर दिया तो हैदर अली ने, अब हैदर अली उसके बाद गया निज़ाम और मराठा के पास, निज़ाम के पास गया और मराठा के पास गया, उनसे हेल्प मांगी। और जो निज़ाम और मराठा थे उन्होंने भी हैदर अली की हेल्प करी, और जिसके चलते हुए उन्होंने जो आर्कॉट कर्नाटक की कैपिटल थी कर्नाटक स्टेट की, उसको कैप्चर कर लिया। फिर 1781 में जो हैदर अली थे उनको पोर्टो नोवो में आयरकूट ने हरा दिया। और उसके बाद 82 में जो हैदर अली थे उनकी डेथ हो गई। तो उस टाइम पे अभी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रही थी। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का टाइम पीरियड था 80 से लेकर 84 तक का। 82 में बीच में हैदर अली की डेथ हो जाती है, तो एंग्लो मैसूर वॉर तो अभी चल रही है ना, ख़त्म नहीं हुई। तो बीच में ही हैदर अली की डेथ होने की वजह से गद्दी पे बैठते हैं हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान 82 में। तो 82 में टीपू सुल्तान ने आकर जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर थी उसको आगे कंटिन्यू करा, और वो वॉर चली थी 84 तक। फिर 84 में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और ये ट्रीटी साइन करी थी टीपू सुल्तान ने, और उसके बाद जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर थी वो ख़त्म हो गई। फिर आती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये शुरू हुई थी 1790 में और 2 साल तक चली थी, 92 तक ये चली थी। अब सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो निज़ाम और मराठा थे उन्होंने हैदर अली की हेल्प करी थी। तो अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ? जो निज़ाम और मराठा थे उन्होंने टीपू सुल्तान का साथ छोड़कर वो चले गए ब्रिटिशर्स के साथ। उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी, जिसकी वजह से जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने बैंगलोर की जो टेरिटरी थी उसको कैप्चर कर लिया। फिर 1792 में श्रीरंगापट्टनम की ट्रीटी साइन हुई, और उस ट्रीटी के चलते हुए जो टीपू सुल्तान थे उनको अपनी आधी टेरिटरी अंग्रेज़ों को देनी पड़ी। फिर 1799 में हुई फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर थी उसमें लॉर्ड वेलिसली जो थे उन्होंने टीपू सुल्तान पे अटैक कर दिया, और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ही टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। अब जो टीपू सुल्तान थे वो ऐसे इंडियन रूलर थे जिन्होंने इंडिया में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के साथ साथ मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी बढ़ावा दिया था, मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी थोड़ा स्ट्रांग बनाया, उसको उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जितनी के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दी जाती थी उस टाइम पे। इसके अलावा जो टीपू सुल्तान था उसने अपनी एम्बेसीज फॉरेन कंट्रीज़ में भी बनाई। फ्रांस में एम्बेसी बनाई थी, टर्की, ईरान, पेगू में बनाई थी, सो दैट की फॉरेन ट्रेड थोड़ा डेवलप हो सके। श्रीरंगापट्टनम में जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था, और साथ ही साथ वो खुद जैकोबियन क्लब के मेंबर भी बने थे। जो जैकोबियन क्लब था वो फ्रेंच क्लब था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जैकोबियन क्लब बना था। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके टीपू सुल्तान भी मेंबर बने थे। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब स्टेट की, कि पंजाब में
जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कैसे एंट्री मारी। अब जो पंजाब स्टेट थी, पंजाब स्टेट में आए थे सिख, जो 10th सिख गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी। उन्होंने अब उस टाइम पे पंजाब के हालात देखे तो उनको लगा कि जो रिलीजियस सेट है उनका, उनको अब मिलिट्री ब्रदरहुड में ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि पंजाब में बहुत सारे जो फॉरनर्स है आकर अटैक कर रहे हैं। नादिर शाह ने अटैक किया पंजाब में, अहमद शाह अब्दाली आया, उसने भी फिर आकर पंजाब को लूटा, तो बहुत सारे लुटेरे बाहर से आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने रिलीजियस सेट को मिलिट्री ब्रदरहुड में चेंज कर दिया, क्योंकि जो पहले के 9 गुरु थे ना वो बिल्कुल ही रिलीजियस थे। गुरु नानक देव जी के बारे में तो सबने सुना ही होगा, तो वो थोड़े रिलीजियस गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना जो थोड़ा था वो चेंज करके मिलिट्री में आ गए, थोड़ा लड़ने में भी उन्होंने किया, लड़ाइयाँ भी की गुरु गोबिंद सिंह जी ने। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ को, सिखों की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी उनको इंक्रीज किया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ज़रूरत थी, फॉरनर्स जो फॉरेन इन्वेजन कर रहे थे, जो बाहर के लोग आकर भी, जैसे नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, तो इसके चलते हुए उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ावा दिया, सो दैट कि पंजाब में स्ट्रांग पावर बन सके। फिर आते हैं महाराजा रणजीत सिंह। जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो बहुत ही ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर थे, बहुत पावरफुल रूलर थे। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था 1780 में, पंजाब में हुआ था, गुजरांवाला में, और उन्होंने 1799 में लाहौर को ऑक्यूपाई करके लाहौर को अपनी कैपिटल बना दिया था, पंजाब की कैपिटल लाहौर बना दिया था। उसके बाद 1802 में उन्होंने अमृतसर को भी कॉन्कर कर लिया, फिर लुधियाना को कर लिया, फिर ऐसे छोटी छोटी वॉर्स होती रही, फिर धीरे धीरे उन्होंने कांगड़ा, अटॉक, मुल्तान, कश्मीर, हज़ारा बानू, देराजात, पेशावर, ये सारे जो छोटे छोटे शहर थे सभी को अपने अंडर कर लिया। और 1839 में जो महाराजा रणजीत सिंह थे उनकी डेथ हो जाती है। अब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद आते हैं उनके बेटे, जो कि बिल्कुल काम के नहीं थे, वो बहुत ही वीक रूलर थे, तो इसीलिए पंजाब में अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था। सक्सेसर कौन कौन से थे? खड़क सिंह भी महाराजा रणजीत सिंह का बेटा था, ये चारों ही महाराजा रणजीत सिंह के बेटे थे। पहले खड़क सिंह आया, फिर नौनिहाल सिंह, फिर शेर सिंह, फिर दलीप सिंह आया। तो जो सिख पावर थी वो ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल ही तोड़ दी थी महाराजा रणजीत सिंह की डेथ के बाद। क्यों? क्योंकि बाद वाले जो रूलर थे उनके बेटे थे वो बहुत ही वीक रूलर थे। तो इसके बीच में दो वॉर्स हुई थी, एक हुई थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और दूसरी हुई थी सेकंड एंग्लो सिख वॉर। जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुई थी वो 1845-46 में हुई थी, एक साल के लिए चली थी। इसके बीच में चार बैटल्स हुई थी, एक बुद्गी की, एक फरोज शाह की, अलीवाल और सबराउंड की, और ये चारों बैटल्स में ही अंग्रेज़ों ने सिखों को हरा दिया था। हराने के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की 1846 में और लड़ाई ख़त्म कर दी। तो उसके बाद जो सर हेनरी लॉरेंस थे वो पहले फर्स्ट रेजिडेंट बने थे इंडिया के बोलो या पंजाब के बोल सकते हो। फिर आई थी सेकंड एंग्लो सिख वॉर और ये चली थी 1848-49 तक, मतलब एक साल के लिए चली थी। इस वॉर के बाद जो डलहौजी था उन्होंने पंजाब पे, पूरे के पूरे पंजाब पे ही कब्जा कर लिया, और जो सर जॉन लॉरेंस थे वो पंजाब के पहले चीफ कमिश्नर बने थे, राइट। तो ये तो था पंजाब का कि कैसे उन्होंने पंजाब में एंट्री मारी, मैसूर की हो गई, बंगाल की हो गई और पंजाब की हो गई, ये तीन इम्पॉर्टेंट थे। तो इन तीनों की एंट्री हमने देख ली है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश रूल था उसका इंडिया पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा था, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।